हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एम्स 8020 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि एम्स पटना में पिछले साल नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आई थी। ये वैकेंसी 80-20 रूल्स के अकॉर्डिंग ही आई थी। इसमें 185 फीमेल्स के लिए पोस्ट थी और 21 पोस्ट मेल के लिए थी, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है 30 दिसंबर 2020 को। फ्रेंड्स, ये रिजल्ट 80-20 के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर हुआ है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है। ये रिजल्ट देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसकी कॉपी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में ओनली क्वालिफाई करना रहेगा। स्किल टेस्ट के मार्क्स कट ऑफ मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये यूआर में मेल कैंडिडेट केवल 7 है। यहाँ सिर्फ यूआर में फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट चालू हो जाती है। टोटल 49 फीमेल कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी से। यहाँ से ओबीसी मेल कैंडिडेट स्टार्ट हो जाते हैं। ओनली 16 मेल कैंडिडेट है, इनमें दिव्यांग भी है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट टोटल 27 है। एससी में मेल कैंडिडेट ओनली 4 है और एससी में फीमेल कैंडिडेट 13 है। एसटी में मेल कैंडिडेट 3 है और एसटी में फीमेल कैंडिडेट टोटल 10 है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस में केवल एक मेल कैंडिडेट है, जबकि फीमेल कैंडिडेट है टोटल 15। तो फ्रेंड्स, ये था एम्स पटना का 80-20 के अकॉर्डिंग नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट। इसके खिलाफ पटना केट में भी केस लगा था, परंतु केस हार गए। पटना केट ने 80-20 रेशियो को सही ठहराते हुए केस को डिस्पोज कर दिया। उसके बाद में ये रिजल्ट आया है। फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि क्या नोट सेट 2020 का रिजल्ट जो अभी अटका हुआ है, क्या उसका भी रिजल्ट 80-20 के अकॉर्डिंग ही आएगा? कब आएगा? ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है। जो इसमें सेलेक्टेड हैं वो भी चिंतित है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी चिंतित है। मेल कैंडिडेट्स की भी चिंता जायज है, क्योंकि लाखों रुपए नर्सिंग में खर्च करके अगर उनके लिए नर्सिंग पोस्ट नहीं निकले तो भी चिंता बिल्कुल जायज है। और फीमेल कैंडिडेट जो इसमें सेलेक्ट हो चुकी है और अगर उनको समय पर नौकरी नहीं मिले तो भी उनकी चिंता जायज है। फ्रेंड्स, इस प्रकार भर्ती के लंबे समय तक अटक जाने से न तो एम्स का नुकसान है, न सरकार का नुकसान है। नुकसान है तो केवल मरीजों का नुकसान है, वह नुकसान है तो केवल नर्सिंग बेरोजगार स्टूडेंट्स का नुकसान है। परंतु फ्रेंड्स, अभी एम्स 80-20 का मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई आने वाले मई को है। दो केस लगे हुए हैं, हरीश काजला जी व जोधा राम जाट ने केस लगाया हुआ है। दोनों की हियरिंग एक साथ मई में होगी। इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं। फ्रेंड्स, जब से 80-20 लागू हुआ तब से विरोध प्रदर्शन एम्स 80-20 के खिलाफ कैंपेन जारी है। अलग अलग तरीके से जारी है। कभी पोस्टल कार्ड के थ्रू कैंपेन किया जा रहा, तो कभी ट्विटर पर कैंपेन किया जा रहा, अलग अलग तरीके से कभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा, अलग अलग तरीके से कैंपेन जारी है। सरकार भी इस मैटर से बिल्कुल अवगत है कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है और नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान के छात्र नेता व छात्र अलग अलग नेताओं से भी मिल चुके हैं, अभी मिल ही रहे हैं। राजस्थान के नर्सिंग छात्र नेता भरत बेनीवाल जी का कहना है कि उनको जल्दी ही हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री से अपॉइंटमेंट मिलने वाला है और इस समस्या के बारे में अवगत करवाएंगे। एम्स 80-20 के खिलाफ एम्स नर्सिंग यूनियन भी इसके खिलाफ थी, प्रदर्शन किया, परंतु प्रदर्शन से कोई हल नहीं निकला। सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय व एम्स प्रशासन को बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि ये मामला बिल्कुल ठंडा नहीं होने वाला है। आए दिन कोर्ट केस होता रहेगा, वह धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। ये बहुत बड़ा हेडेक है। इसका एम्स व स्वास्थ्य मंत्रालय एक हल ये निकाल सकता है कि कोर्ट फैसले का वेट करें। दूसरा हल ये निकाल सकता है कि एम्स व स्वास्थ्य मंत्रालय डिसाइड करके इस रेशो को कम करे, ख़त्म करे या कुछ अलग करें। तीसरा ये कर सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर दे सकता है, परंतु ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर पे लिखा होगा कि आपका मैटर कोर्ट केस में चल रहा है, कोर्ट का डिसीजन होगा वो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा लिख के ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, एम्स नॉर्थ सेट की ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या चल रहा है,
इसकी जानकारी जुटाने में हम लगातार जुटे हुए हैं। इसकी जैसे ही सूचना मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी जानकारी प्रद वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।